और अपने और माँ जड़े ने वो भी मोतरिज ने, हालांकि उन्होंने मोतरिज नहीं होना चाहिए, उन्होंने मसले मसल के अपनी सुन्नत देखना चाहिए वो की है। अगर डॉक्टर साहब मसले के अपनी सुन्नत के मुताबिक चलते हैं तो दूजे वाले माँ ने उन्होंने तायद करनी चाहिए, ना कि जो उन्होंने खिलाफ बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब जो ना वो जो उन्होंने खता के लफ्ज बोले ना इश्तिहादी खता, वो तो नबियों को भी हो जाती है इश्तिहादी खता। तो ये तो मुसलम मसला ना कि जरा हजरत खातून जन्नत ने वो मासूमा नहीं महफूजा ने, तो महफूजा होना मासूमा ना भी ज़्यादा कमाल बन जाता इस लिहाज न कि मासूम तो होंगे जो कोई गुनाह होंगे ही नहीं, अल्लाह ने उस सलाहियत नहीं पैदा की गुनाह की, और महफूजा होंगी है कि वो सलाहियत है गुनाह की लेकिन वो बचती है, मर्द हो या औरत हो बचता है। इस लिहाज न महफूज होना यह बहुत बड़ा कमाल है। तो डॉक्टर साहब जो है ना हूँ जरा वो बगैर दलील के बात नहीं करते, इन्होंने उलमा चाहिए कि ये जो ना जिन्हें जो मशकूक ने ना इन्होंने चाहिए कि मसलक का तहफ़ करद हो डॉक्टर साहब के कोल आवन तो उन्होंने बिल मुशाफा गुफ्तगू करन तो ये बेहतर रहेगा। तो डॉक्टर साहब जो ना अपने मौकफ के उत्ते मसलक अहले सुन्नत के उत्ते वो पक्के पीटे ने, जो उन्होंने अगर वो इस बात को रजू करते हैं ये तो मतलब अहले सुन्नत का मतलब जो है वो को रजू कर रहे हैं, अहले सुन्नत के मतलब वो छड़ रहे हैं, इस वास्ते ये चीज़ सही नहीं। अपना डॉक्टर साहब ये कोई शक नहीं, उन्होंने अल्लाह तआला ने बड़िया सलाहियत अता फरमाइया ने कि बजा वक्त तो मुफ्ती ने और इंग्लिश भी किताब कर लेंगे और अरबी भी कर लेंगे और मुनाजिर इस्लाम ने बड़े 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 चोटी के जोड़े ना मुनाजिर उन्होंने वो चने चबा लेते हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब जो पिखी दे जहाँ तक उन्होंने ताल्लुक है वो इतने पढ़ते रहे हैं तालिबे इल्मी के दौर दौर में उन्होंने तौलबा एक नमाया हसीयत सी। उन्होंने मैं तो कहना कि जरा पिखी जामिया मुहम्मदिया रिजविया है नूरिया रिजविया इन्हें अपनी 70 साल तारीख के अंदर इतना जामे इलम कोई पैदा नहीं किया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती पैदा हुए ने मुदरस पैदा हुए ने मुकर्रर पैदा हुए ने लेकिन इतना जामे कोई आलम मिसाल के तौर पर कोई पेश नहीं कर सकता 70 साल माशाल्लाह। ये उन्हां दी खुदा दाद ही चीज़ है कुवत बाजू ना चीज़ का तल्लुक हो ही नहीं, ये खुदा दाद चीज़ है सलाहियत अल्लाह ताला ने उन्होंने मुता फरमाया ते अपने मौकफ के उत्ते पीड़े ने ते मौकफ उन्हों का जिन्हें गलत नहीं वो सही मौकफ है उन्होंने जिस अहले सुन्नत वल जमात का ये मजहब है। अगर वो अपने इस बात को रजू करते हैं तो यह मतलब अहले सुन्नत के मजहब को रजू कर रहे हैं, यह मतलब तो यही बनेगा। इस वास्ते जो दूजे उलमा ने अहले सुन्नत उन्होंने उन्होंने हमायत करनी चाहिए है और शक शुभ है तो वो जाके निकाल लेना चाहिए या उन्हों की गल मान लैन या अपनी मना लैन।